नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सुराम के गांव संगतीवाला में दर्जन भर मजदूर महिलाएं कीटनाशक दवा की गैस चढ़ने से हुई बेसुध। अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नवनियुक्त चेयरमैन प्रेस क्लब में पहुंचे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने अपनी मांगों से करवाया अवगत। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के सुनाम के साथ लगते गांव संगतीवाला में दर्जन भर मजदूर महिलाएं धान की फसल लगाते समय खेत में डाले जा रहे तेज कीटनाशक की बदौलत गैस चढ़ने से बेसुध होकर गिरने लगी, जिसके बाद जैसे तैसे गांव के डॉक्टर ने उनका इलाज किया। लेकिन एक दिन घर में उपचाराधीन रहने के बाद 11 महिलाओं और एक पुरुष मजदूर को सुनाम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर के मुताबिक सभी मजदूर सिरदर्द, चक्कर और उल्टी की शिकायत कर रहे हैं और उनकी हालत अभी स्थिर है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मेरे को जी ये 11 लेडीज थे, एक जेंट्स इसमें कुछ सवेरे आए ने, जिन्ना दी तकलीफ यही कह रहे सी कि थोड़ा जा सिर दुखदा है और जी कच्चा हो रहा, थोड़े चक्कर आ रहे ने। देखन तो इन्ना दे जेडे सारा कुछ सारी जी है ठीक ठाक है, स्टेबल ने पेशेंट, और मतलब इन्हों की तकलीफ के दसे अनुसार इन्हों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नव नियुक्त चेयरमैन अशोक तलवार विशेष रूप से प्रेस क्लब में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब की मांगों को बड़े ही ध्यान से सुना। इससे पहले प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गिल ने प्रेस क्लब में रेनोवेशन की मांग की, जिसमें 25 लाख के बने एस्टीमेट में से 12.5 लाख की कमी को तुरंत पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही पत्रकार भाईचारे के लिए सरकारी रेटों पर आसान किश्तों के माध्यम से रिहायशी फ्लैट देने की मांग की। उन्होंने चेयरमैन को बताया कि लगभग 90% पत्रकार घर रहित है, उनके पास सपना घर नहीं है और ना ही उनकी ये हालत है ताकि वे कभी अपना सपना पूरा कर सके। इसलिए एक प्रेस क्लब कॉलोनी बनाकर पत्रकारों को हैंडओवर की जाए। इस दौरान चेयरमैन अशोक तलवार ने इन मांगों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि पहले तो वे यहाँ मिले सम्मान का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो 12.5 लाख की उनकी मांग है, जो कि PWD को जाना है, वह सोम या मंगलवार को ही रिलीज हो जाएगा ताकि रेनोवेशन का काम ना रुक सके। बाकी उनकी जो मांगे हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर जनरल सचिव, ज्वाइंट सचिव ममता शर्मा, सुनील खोसला सहित अन्य पत्रकार भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं आज प्रेस क्लब दे इनविटेशन ते आया हैगा और मैं बहुत ही मतलब खुश हैगा। मैंने जो वार वेलकम इतने मिलिया और मेरे पुराने साथी भी इतने दिखाई देते हैं। और प्रेस दे जो तो मैं अड्डा अंदोलन से 2011 जुलाई सी उन्होंने मैं देख रहा सी, अज उस कंपनी बाग तो यात्रा शुरू की सी, अब बहुत सारे साथी मिले, बहुत अच्छा लगा सारे देख के। और जिन्ना सारा प्रेस क्लब ने मेरा स्वागत किया, मैं दिल की गहराई तो उन्हों का आदर करता है, सम्मान करता है। क्यों नहीं सोचा जाएगा, प्रेस का काम है मेन पिलर होंगी है लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचानी, अपोजिशन की कह रही है सरकार तक पहुँचानी, पब्लिक इंपोर्टेंट है। तो मैं तो हमेशा ही प्रेस के नाल खड़ा रहा है, जिहड़ी इन्होंने मुश्किल की है। एक तो छोटा जो फंड है कोई कह रहे 12-15 लाख का है, वो तो मैं इमीजिएटली क्या है प्रधान जी को मैं मेरे को आन के उस दिन फाइल करके ईओ साहब नाल गल करके तो मैं रिलीज कराँगा। तो जो छोटे मोटे काम है ताकि आप प्रेस क्लब के करवा सको। हाँ जी नमस्कार जी, सत श्रीकाल सारे नूं। ते सब तो पहले तो मैं प्रेस क्लब वालों अपने तमाम जिहड़े अहुदेदार ने, एग्जैक्टिव मैंबरस ने, मैंबर साहिबान ने, उन्हां वालों चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अशोक तलवार जी, उन्हां दा तह दिलों स्वागत करदा, इत्थे धन्नवाद करदा कि इन्नी गर्मी दे विच उन्हां ने साडे वास्ते समां कढ़िया ते साडे विच मौजूद ने। इस वेले बिल्कुल सानू इह महसूस ही नहीं हो रहा कि साडे नाल कोई चेयरमैन बैठे ने, सानू लगता कि साडा कोई पत्रकार साथी बैठा साडे नाल, मतलब इन्ना प्यार, इन्ना हंबल। और ये अज तो नहीं, असी शुरू तो देखी है हंबलनैस इन्हां दे विच, क्योंकि वाकई जिहड़ी इन्होंने गल की 2011 तो उदों तो असी भी नाल चले हैं इन्हां दे,
तो हमेशा जिहड़ा मेल जोल हुंदा सीगा पर हुण मेल जोल होर वध जाएगा क्योंकि इन्हां नूं एक जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी के राही इन्हां ने साडे नाल जिहड़ियां गल्लां असीं इन्हां दे कोल रखियां इन्हां ने साडे नाल प्रोमिस किया है कि वह गल्लां हूबहू पूरियां होणगियां। भाजपा एससी मोर्चे के जिला प्रधान शिव कुमार की ओर से रूपनगर से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की रैली को सफल बनाने के लिए जत्था लेकर शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें रैली में जाने से पहले जिला टीम की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर शिव कुमार ने कहा कि आने वाले निगम चुनावों में एससी मोर्चे की टीम विशेष भूमिका निभाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी साड़ी जिले की रैली है बड़ी तगड़ी और साड़े कानून मंत्री जिहड़े आ अर्जुन मेघवाल जी इत्थे अमृतसर च आ रहे आ और साडे शहरी प्रधान डॉक्टर रविंदर संधु जी के दिशा निर्देश से कटरा पाइसन सेवा सिंह जी एरिया वा उत्थे साडा एक बड़ा वड्डा प्रोग्राम आ और उहदे विच साडा एससी मोर्चा और मैं एससी मोर्चा प्रधान हाँ जिले का बीजेपी का और उहदे वास्ते साडा सारा जिन्ना जिले की टीम हैगी सारी साडी इत्थे रूपनगर दे विच इकट्ठी हो के कटरा पाइसन सिंह जा रही आ और इहदे विच मेरे जिले की टीम के खास जिहड़े अहुदेदार आ अशोक भगत जी मेरे जनरल सैकटरी आ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਪਾਰਸ ਕਨੋਚੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ 22 ਜੂਨ 2023 ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਮਾਰਗ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ ਗਈ ਥੀ ਜਿਸ ਮੇਂ ਪਾਰਸ ਕਨੋਚੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਕਨੋਚੀਆ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮਠ ਧਾਮ ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮਠ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮੌਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ 27ਵੀਂ पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में और सर्व कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री शिव मठ धाम के रविंदर बबला, लखविंदर शेरू, विमल शर्मा और सीमा बहन ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 24 जून से 1 जुलाई तक शनिवार तक श्री शिव मठ में करवाई जाएगी। कथा का समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का है। कथा में परम पूज्य आचार्य नवलेश दीक्षित जी महाराज चित्रकूट वाले अपने मुखारविंद से कथा का श्रवण करवा रहे हैं। इस मौके पर परम पूज्य 1008 संत योगेंद्र दास जी महाराज, श्री महंत रघुनाथ मंदिर चित्रकूट धाम वाले विशेष रूप से आशीर्वाद देने आए। कथा के संदर्भ में विशाल कलश यात्रा भी गीता भवन बरनाला से श्री शिव मठ धाम तक निकाली गई जिसमें 251 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश उठाए। बैंड बाजे और गजराज कलश यात्रा का मुख्य आकर्षण रहे। जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन गुरदीप सिंह बाट ने कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। नारियल की रस्म अशोक कुमार MD ग्रीन एवेन्यू ने अदा की। इस मौके पर श्री शिव मठ के संचालक स्वामी रत्नेशानंद जी महाराज, श्री राधा संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार बंसल, गीता भवन ट्रस्ट के महासचिव राजेंद्र गार्गी, श्री शिव सेवा संघ के गिरधारी लाल सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के भाई एवं लघु उद्योग भारतीय के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष अरविंद धूमल के पिता ठाकुर रूप सिंह धूमल धर्म, समाज और उद्योग जगत को पूरी तरह से समर्पित थे। वे एक सफल उद्यमी और सभी के प्रेरणा स्रोत थे जो कि 13 जून को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया एवं श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन विक्टोरिया गार्डन परागपुर GT रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वियों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय
ठाकुर रूप सिंह धूमल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अरविंद धूमल, दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, आरपी सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश राठौर, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, भाजपा देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, अविनाश राय खन्ना, अमृतसर सांसद गुरजीत सिंह ओजला, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, एनसीएम चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, वरिष्ठ भाजपा नेता दीवान अमित अरोड़ा, उद्योगपति कमलराज, जिला भाजपा प्रधान सुरेश शर्मा, सोमनाथ कालिया, अरुण मेहता, सुभाष सूद सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े नेताओं एवं गणमान्य लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय ठाकुर रूप सिंह धूमल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जो व्यक्ति चले गए, उन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जब हम सभी सामूहिक स्तर पर इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना सभा में बैठते हैं, तो हम सभी की जो प्रार्थना है, हम सभी की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो हम ईश्वर से कनेक्ट होकर, उनसे जुड़कर, उन दिवंगत आत्मा के लिए हम शांति मांगते हैं, उनके यात्रा सुगत हो आगे, ये प्रार्थना करते हैं, तो वो संगठित रूप में ईश्वर के चरणों में पहुंचती है। इसलिए हमारे ऋषियों महापुरुषों ने इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया। और कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो आज इस परिवार के साथ सभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, मिलकर बैठे हैं इस हॉल में, इसीलिए कि उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ कुछ हद तक कम हो सके, हम सभी की मंगल प्रार्थनाओं के द्वारा। और प्रार्थना में कितनी शक्ति है, हम गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, जिसमें गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से निरंतर प्रश्न करते हैं, उनका संवाद होता है। और इसीलिए कहा गया, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कैसा रूप लेती है, मान लीजिए आप गरुड़ जी के पंखों पर सवार हो गए और इस भव सागर से पार हो गए, ये प्रार्थना सभा की शक्ति है। इसीलिए आज हम सभी यहां पर उपस्थित हुए। और प्रार्थना क्या करती है, प्रार्थना हमारे मन का डिटॉक्सिफाई करती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हमारे अंदर के विकार बुराइयां निकलती हैं और हम भी कुछ समय के लिए इस भौतिक जगत से, इस मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलकर ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ये क्षण, ये कुछ पल ऐसे हुआ करते हैं, इसलिए प्रार्थना हमें डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। विनोबा भावे जी कहा करते थे कि मैं शरीर को अस्वस्थ रखने के लिए तप कर सकता हूं, भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा को भूखा नहीं रख सकता। मैं अपनी आत्मा को निरंतर प्रार्थना का भोजन देता रहूंगा। प्रार्थना में इतनी शक्ति है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, प्रार्थना करो ईश्वर के चरणों में और ईश्वर उस प्रार्थना के माध्यम से, पुकार के माध्यम से अपने द्वार अवश्य खोल देता है, वो अवश्य हमारी दुख तकलीफ को दूर करने के लिए आ जाता है। ये प्रार्थना में शक्ति है, इसलिए ये प्रार्थना सभा है। और आज इस प्रार्थना सभा में हम सभी एक भजन को श्रवण करेंगे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे जीवन में अपने सब साथियों को, खासतौर से संत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जो सभी सदस्य हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी और लगभग दो और पीढ़ियां उनके साथ काम करती रही, और उसके अलावा पूरे समाज को, हिमाचल के लोगों को, पंजाब के जिन इदारों में उन्होंने काम किया, उनको हमेशा सही दिशा निर्देश, अपना स्नेह और प्रेम हमेशा देते रहे। एक सरस स्वभाव के व्यक्तित्व के बारे में, और हमेशा हर व्यक्ति की उन्नति मन से चाहने वाले व्यक्ति, दिल से दिल देने वाले, ऐसा व्यक्तित्व उनका था।
संत ग्रुप इंडस्ट्रीज में बहुत से आज नई पीढ़ी के बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मैं महसूस करता हूं कि अगर इस सारे ग्रुप को जो कि 1967 में शुरू हुआ आज तक अगर उसको जोड़ के रखा है तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग ठाकुर रूप सिंह धूमल जी का रहा हूं। जलंधर स्वामी नारायण मंदिर संघ एवं समस्त सदस्यों की ओर से एक शोक प्रस्ताव आया है। दैनिक सवेरा की तरफ से शीतल वीर जी की तरफ से एक शोक प्रस्ताव आया है। लघु उद्योग भारती ऑल इंडिया की तरफ से एक शोक प्रस्ताव आया है। वॉल्स एंड पॉप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मनोहर धवन जी की तरफ से एक शोक प्रस्ताव आया है और जलंधर कार डीलर्स की तरफ से एक शोक प्रस्ताव है। ओम आनंद ओम निर्मल का संगठन आनंद प्रिय बंधु, आज ठाकुर रूप सिंह जी धूमल से अपने बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। कठिन मेहनत, सबका साथ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब के लिए प्रेरणादायक है। आपने अभी अभी बताया कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। इसी आधार पर मैं आपको छोटा सा वचन सुनाऊंगा, ये पूरी जिंदगी का निचोड़ है। आदरणीय संतगण, आदर के मेरे सभी भाई और बहनों, मैं अपनी ताई श्रीमती गीता धूमल, अपने भाई श्री अरविंद धूमल, भाभी सीमा धूमल जी, पिता प्रेम कुमार धूमल, माता शीतल धूमल और एवं अन्य परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, धूमल परिवार की ओर से, राठौर परिवार की ओर से, चौहान परिवार की ओर से, सिक्का परिवार के सबकी ओर से आप सबका आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस दुख की घड़ी में हम सबको सफल देने आए हैं, हमारा दुख बांटने आए हैं। मेरे पास शब्दों की कमी है, मैं तो सभी आदमी हैं और पूजनीय संतगण आप सभी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे परिवार को आशीर्वाद देने आए। जहाँ एक और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा भजनों के माध्यम से हम सबके दुख को हरने का कुछ कार्य किया गया है। गुरुजी अमर ज्योति जी महाराज और बाकी सभी स्वामी मिशनन जी, चिंदनन जी, आप सबने आकर हमारे परिवार के दुख को बांटा है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये सच्चाई है कि आज हमारे ताया जी ठाकुर रूप सिंह धूमल जी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा तो बचपन ही उनके पास बीता। आदर्श पुत्र क्या होता है यह आदरणीय धूमल जी रूप सिंह धूमल जी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अपनी शिक्षा तो पूरी की ही, छोटी उम्र में पूरे परिवार का जिम्मेदारी भी ली, बहुत कम उम्र में ग्रेजुएट होने के बावजूद जब एलआईसी की स्थापना हुई तो उसी वर्ष एलआईसी की नौकरी 1956 में करने की,
और जैसा पहले राकेश जी ने कहा, स्वर्गीय ठाकुर गुणपत राय जी, स्वर्गीय ठाकुर पीपलदास चौहान जी, इनके साथ मिलके, सब परिवारों को साथ में लेके आगे बढ़े भी, तो जहाँ एक आदर्श पुत्र के नाते अपने माँ बाप की सेवा से लेकर अपनी बहनों और अपने भाई, इन सबको भी आगे बढ़ाया, अपना भविष्य देखने की बजाय बाकियों को आगे पढ़ाते चले गए। एक आदर्श पति क्या होता है, हमने 70 सालों में देखा। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जो वापिस आकर मेरी ताई जी के साथ ना बैठते, उनका प्यार से इतना ही कह रहे गीतू राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो कहा गया, उनके आदर्श जीवन के बारे में हमने तो, आदर्श जीवन क्या होता है, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, जो ना केवल अरविंद जी या अमेरिका की बहनों के लिए, बल्कि जब प्रेम कुमार धूमल जी अपने राजनीतिक जीवन के लिए हिमाचल वापस गए तो हमारा पालन पोषण तो उनके साथ ही, उन्होंने अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर हमें प्यार, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, जो चीज पहले थी तो मुझे और अरुण को पहले देने, अरविंद भाई को, और यही कौन अरविंद जी, मैं भी कभी ये नहीं सोचा कि अपना कौन पराया कौन, आदर्श दोस्त या किसी संस्था के सदस्य के रूप में लंबे वर्षों तक वॉल्सअप कॉप्स एंड स्टेशन से लेकर बाकी जगह पर, एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी बहुत बड़ी पंचायत के प्रधान 13 वर्षों तक रहे, चुने जाना, विकास करवा, किसी भी क्षेत्र में गए तो आदर्श क्या होता है उसकी एक मिसाल, स्वयं से पहले आप, हमें सिखाया गया लेकिन हमने धूमल जी को करते हुए, तीसरी पीढ़ी हमारी सामर्थ्य हो, सार्थक हो, जयदित्य हो, उदय कैसे मनोबल बढ़ाते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था तो कभी खराब प्रदर्शन हो, कुछ हो, तो कैसे मनोबल बढ़ाना, कुछ गलत हो जाए तो सबके बीच में ना कह के अलग ले जाके समझाना, एक आदर्श नेता क्या होता है उसमें भी उनकी एक झलक देखने को मिलती है। मैं क्षमा चाहता हूं थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन जिनके साथ जीवन का एक बहुत लंबा समय जिया है, मुझे दुख तो इस बात का है उनकी डेथ से 2-3 दिन पहले जब मैं एनआईटी के कार्यक्रम में आया, मैं मिलना चाहता था उनसे, कार्यक्रम में विलंब हो गया और मुझे अगले कार्यक्रम में जाने के लिए मिल नहीं पाया, शायद कभी आप सब जुड़े, आप सब कभी नहीं पाते।
रानी घई चौकी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जाविराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब श्री गुरु तेग बहादुर नगर जालंधर में आयोजित की गई, जिसमें रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय रानी घई की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में डॉक्टर यूएस घई, डॉक्टर नरेंद्र घई, दीपक घई, डॉक्टर संदली घई भूटानी, अरविंदर घई, डॉक्टर मीनाक्षी घई, सपना घई, डॉक्टर एच एस भूटानी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रानी घई को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ये मेरी खुशनसीबी है दैट आई एम द फोर्थ ग्रैंड डॉटर एंड कि मैं दादी माँ को श्रद्धांजलि दूंगी आज, स्टार्टिंग फ्रॉम आर मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टर संदली घई, सुनैना घई, एंड देन रुचि, रुचि घई, मी शिरिन सिंह, संजना शी इज विद अस हियर, एंड महक घई। हम छह बेटियाँ हैं, घर की छह परियां, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव दादी माँ एंड दादाजी एज आर सोल पिलर्स, जिन्होंने हमें छोड़ के गए हैं फिजिकली, बट उन्होंने हमें इमोशनली हमारे दिल में इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं, एंड दैट इज करेक्ट, हमें संस्कार दे के गए हैं वो अपने, और ये संस्कार आई एम श्योर आर गोइंग टू बी द पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। मामा ठंडिया छावा जो शेर कहेगी उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, सब एक को रिक्वेस्ट करता कि लेट्स स्प्रेड काइंडनेस, आप दयालु बनिए, दादी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हम्बल। मैं मानता कि जो आप दयालु बनते हैं तो साढ़े आने वाले खुशी भर देती, सो लेट्स हैव हैप्पी वर्ल्ड। ज़्यादा कुछ ना बोलते हैं थोड़ा बहुत धन्यवादी हाँ, जिदा कह देता कि खुशी बढ़ना खुशी बढ़ती है तो दुख बढ़ना दुख बढ़ता है, तो साढ़े दो साल खड़े हुए हो, मैं तो तेरह दिन तो पा गई हाँ। जालंधर के एक निजी होटल में नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर सतबीर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ और रक्त विकार के माहिर डॉक्टर जितेंद्र अरोड़ा और छाती के रोगों के माहिर डॉक्टर धवल सुरानी ने शिरकत की। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी के पूजन के बाद डॉक्टर सतबीर ने आए हुए सदस्यों का स्वागत किया।
जिसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अरोड़ा ने रक्त की कमी के कारणों एवं उपचार के बारे में जानकारी दी। तो वहीं डॉक्टर धवल ने कहा कि अति प्रदूषण, सिगरेट पान, तंबाकू सेवन, फ्राइड तथा घरेलू वाहनों के धुएं से सांस की भयानक बीमारियां फैल रही हैं, जिनका उपचार समय से कर लेने में भलाई है, नहीं तो अस्थमा, टीबी और कैंसर जैसे प्राण घातक रोग हो सकते हैं। जिसके पश्चात नीमा के पदाधिकारियों ने मुख्य वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसी दौरान वाइस प्रेसिडेंट नीमा जालंधर डॉक्टर दिनेश जग्गी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। अंत में उप प्रधान डॉक्टर बीएस भाटिया ने आए हुए सदस्यों का धन्यवाद किया। मंच का संचालन डॉक्टर कालरा ने बखूबी से किया। सत श्री अकाल सारा नूं, मैं डॉक्टर जितेंद्र पटेल हॉस्पिटल तो आज आपां इत्थे एक टॉक देन आए हैं एनीमिया बारे। मैं कैंसर स्पैशलिस्ट प्लस ब्लड स्पैशलिस्ट, अच्छा चिल्ड्रन कैंसर बारे भी डीलिंग करना। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਐਨੀਮੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਰਕਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਪਟੇਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਤੇ ਨੀਮਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਧਵਲ ਸੁਰਾਣੀ, ਐਮ ਡੀ ਪਲਮੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਐਲਰਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਪਟੇਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਲਮੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਐਲਰਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹਮ ਨੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਸਾਥ ਡਾਕਟਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਟਾਈਪ ਕੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਅਸਥਮਾ ਹੈ, ਸੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਹੈ, ਨਿਮੋਥੋਰੈਕਸ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੀਅਲ ਲੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਕੈਸੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੌਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੇ ਪਾਸ ਅਗਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਨੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਔਰ ਪਟੇਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੇ ਕਿ ਹਮੇ ਅੱਜ ਯੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਯੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। सुराम के गांव संगतीवाला में दर्जन भर मजदूर महिलाएं कीटनाशक दवा की गैस चढ़ने से हुई बेसुध। अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नवनियुक्त चेयरमैन प्रेस क्लब में पहुंचे, प्रेस क्लब के सदस्यों ने अपनी मांगों से करवाया अवगत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। Oh,